डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सेप्टेम्बर टेस्ट 2021 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. टोटल क्वेश्चंस 40. स्टार्टिंग विद वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन वन इज व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लेइंग ऑन एक्स एक्सिस. इन पंजाबी एक्स तो रित स्थित किसी बिंदु का कोटि कितना होगा. देखो बेटा, सिंपल ही गल है कि साढ़े को जो एक्स हुंदा साडे कोल, दैट इज इन पंजाबी दैट इज भुज, इन इंग्लिश दैट इज अपसीसा, ते वाई मीनस कोटी मीनस ऑर्डिनेट, राइट. देखो आप बनावांगे पहला इतने एक्स ते इतने बनावांगे वाई, एक्स तुरा ते वाई तुरा. वैसे सानू बेटा पता हुंदा कि एक्स तो रिपर की हुंदा वा, वाई जीरो होंगे तो वाई तो रेपर एक्स जीरो होंगे वा, राइट. तो वैसे आंसर आंसर ए जीरो आंसर ही आना. वैसे नोट करो एक्स तो रेपर ए कोमा जीरो हो गया, मतलब कोई भी पॉइंट इधर होंगे साढ़े को, एक्स तो रेपर पॉइंट इधर होंगे ए कोमा जीरो, पी कोमा जीरो, सी कोमा जीरो. तो नोट करो कि साढ़े को जरा ऑर्डिनेट है, मीन कोटी कि साढ़े को जीरो है, ठीक है. ऑर्डिनेट इज जीरो, ऑर्डिनेट इज जीरो. तो ऑप्शन इज वन, आंसर इज जीरो, राइट. क्वेश्चन सेकंड इज साढ़े को पॉलीनोमियल दिती साढ़े को बहुपद पी एक्स एक्स प्लस फाइव, ये आप जीरो पता करनी है. एक सिफर साढ़े को देखो ये वैसे दो जीरो आ गई, क्योंकि जीरो पता करने लिए आप साढ़े को मैथड की है वा कि इनू आप इक्वल टू जीरो कर लें आप, ठीक है. एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हो गया साढ़े को, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया. एक्स कितना साढ़े को आ गया इधर आ गया माइनस फाइव हो गया, एक्स टू आ गया. हम देखो साढ़े को क्या एक जीरो ना जो साढ़े ऑप्शन बच्चे हैगी कि नोट करो, साढ़े दो आंसर आए माइनस फाइव तो टू. माइनस फाइव हैगी साढ़े को, ठीक है. टू है नहीं साढ़े को, तो ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, राइट. और इंग्लिश मीडियम देखो जीरो बड़ा पॉलिनोमियल सेम मेथड, थर्ड ऑप्शन दैट इज माइनस फाइव, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ए एंड एंगल बी इन अ गिवन फिगर. देखो नोट करो कि साढ़े को दिस एंगल इज 90, असं संबंध पता करना वा ए एंगल ए तो बी विच, पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री. जे बेटा ए 90 है दिस इज 90, दैन दिस इज ऑलसो 90, कंप्लीट एंगल हो गया 180 डिग्री. ये मतलब एंगल ए प्लस बी कि साढ़े को 90. ये कड़े एंगल होंगे ने कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, ठीक है. वो एंगल जिन्हों का जोड़ कि 180 90 डिग्री, ठीक है. इन्हें जोड़ना वा 90 डिग्री, ये मतलब साढ़ा ऑप्शन क्या गया कॉम्प्लीमेंटरी एंगल. तो जिन्हों का जोड़ हों दो एंगल जोड़ कि 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंटरी एंगल, ठीक है. एंड वर्टिकल नू पता ही है आ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है. शिखर सन्मुख कोण, ऑप्शन साढ़े को वन आ गया दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. हु सम इज टू एंगल, हु सम इज 90, मतलब पूरक कोण. पंजाबी दिखाँगे पूरक कोण जो दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होंदा है, राइट. हुण गल करांगे क्वेश्चन फोर की. क्वेश्चन फोर च लिखा उन्होंने कि इन्हों में दसो एक सम एक समकोणी त्रिभुज दी भुजावां हन, ठीक है. इन इंग्लिश विच द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रैंगल. देखो बेटा समकोणी त्रिभुज या राइट एंगल ट्रैंगल मीनस ट्रैंगल इन विच वन एंगल इज 90, जरा एक कोण कि 90 डिग्री का कोण हों, ठीक है. वन एंगल इज 90 डिग्री, तो इन पता कितना करना आप. देखो सिंपल ही गल है कि इनू ए मान लिया करो, बी मान लो, इन सी मान लो, बड़ी साइड सी मान लो तीन, सिंपल ही गल है. हम देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर पता करो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर साढ़ा आना चाहिए वा सी स्केयर बराबर होना चाहिए, मतलब दो भुजावां का जोड़ बराबर होना चाहिए वा तीसरी भुजा. हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब फोर स्केयर प्लस फोर स्केयर कितना गया 16 प्लस 16 32 आ गया, ठीक है.
ते सी इसके किनारे साढ़े को आ गया 8 10 के किनारे 64 आ गया, मतलब बराबर नहीं आया ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर नहीं आया, मतलब बराबर नहीं आया है। पहला पार्ट थर्ड ऑप्शन रॉन्ग आएगा, ठीक है दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इसे देख लो सिंपल कर लेने पर, 2 स्केयर 4 आ गया, 3 स्केयर 9 आ गया, वड्डी पुजा स्केयर आ चुके 16 आ गया, ठीक है 13 16 मतलब बराबर नहीं हैगा, ये ऑप्शन भी छोड़ दो। थी नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ए मान लेने पर 13, हाँ ए हो गया साढ़े को, बी हो गया हाँ सी, लेकिन सी आप कहने मानना देखो जी वड्डी पूजा साढ़े को है इनू सी मान लें सॉरी, ते बाकी नू ए ते बी मान लेने पर, ताकि वैसे मर्जी है जिस तरह की मर्जी मान सकते हैं, ठीक है। हम देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर 3 स्केयर जमा 2 स्केयर, 3 वर्ग 9 आ गया, 2 वर्ग 4 आ गया, किन्ना आंसर आ गया 13। सी इसका किन्ना साढ़े को आ गया √13 वर्ग, ये कट जाना साढ़े को 13 आ गया, ये बराबर आ गया, मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके नेक्स्ट अब चेक नहीं करना फिर, 50th राइट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बेटा आप लिखना वा लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल इन द, मतलब कि दिते त्रिभुज दियां भुजावां ने लंबाइयां नूं वधदे क्रम विच लिखो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन देखो करना आपां किद्दां वा, इंक्रीजिंग ऑर्डर च लिखना आपां। देखो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर ओपोजिट साइड, जिहड़ा एंगल वड्डा वा उहदे सामने वड्डी भुजा हुंदी आ, ते आपां सानूं साइड तां गिवन नहीं हैगियां, असीं एंगल ही चैक कर लैणे, ठीक है। सब तो पहला एंगल कहिहड़ा आपां ए बी सी लिख लैणे आपां, इहनूं इदां लिख दिंदे आपां, ए एंगल लिख लैणे आपां इहनूं फॉर आवर कन्वीनियंस, ते इहनूं पी एंगल लिख लो ते इहनूं डी एंगल लिख लो, पर एंगल नूं चैक अरेंज कर लैणे आपां। सब तो छोटा एंगल कहिहड़ा वा देखो ए, सब तो वड्डा कहिहड़ा वा पी, सब तो वड्डा कहिहड़ा वा डी, ठीक है। ग्रेटर एंगल है ग्रेटर ओपोजिट साइड, ठीक है। हुण एंगल ए है साढ़े कोल, उहदे पहिलां आपां देखो असेंडिंग ऑर्डर 'च लिख लिया आपां एंगल्स नूं, एंगल ए सामने कहिहड़ी भुजा देखो छोटा छोटा एंगल इही है ना ए, ते एंगल पी सामने कहिहड़ी भुजा वा पी, फिर तो बाद एंगल डी सामने कहिहड़ी भुजा वा, एंगल डी सामने भुजा हैगी साढ़े कोल डी, ठीक है। वो ये साडा ऑर्डर बन गया ए पी डी, ए पी डी हुण कित्थे नोट करो, दिस इज ए पी डी, ओके ए पी टे डी, ये साड़ा आंसर आ गया। 6 सम इज़ वेरी ईजी, इस करना पा कि त्रिभुज के खेत्रफल हीरो के सूत्र में अर्ध परिमाप बराबर है। देखो सिंपल ही गल, मान लो ये साढ़े को ए है बी है, वो भी ट्रेंगल पोही ले ली, ठीक है सी है, परिमाप हूँ साढ़े को पैरीमीटर, डेडी पैरीमीटर या परिमाप आप कहने सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। जे आप अर्ध परिमाप पता करना तो इनू अद्धा कर लो, वेरी सिंपल, मतलब इन इंग्लिश इट इज़ सैमी पैरीमीटर, इट इज सैमी पैरीमीटर, ओके। मतलब आप दोनों पास अद्ध कर लो, सिंपल ही गल है, ये परिमाप हो गया अद्ध कर लो दोनों पास, तो साडा आंसर क्या गया ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ऑप्शन इज 4, राइट। मीन्स सेमी पैरीमीटर मीन्स, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, मोहन प्रीत एंड हरमन आर टेकिंग पार्ट इन 100 मीटर रेस, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस एज फॉलोज, ठीक है। हम मोहन की प्रोबेबिलिटी है 0.3, प्रीत की प्रोबेबिलिटी है 1/2, एंड हरमन की प्रोबेबिलिटी है 20%। असी पता करना कि इन्हें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनर रेस कैदी है, राइट। जब भी देखो मोहन प्रीत हरमन एक 100 मीटर दौड़ विच भाग लै रहे हैं, उन्होंने रेस जितने संभावना हेठ लिखे अनुसार है, क्योंकि वेरी सिंपल, ज़्यादा बेटा सारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या फिर सिंपल गल कि पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। पहला वाला पॉइंट जो है 0.3, ठीक है। दूसरा देखो 1/2, यदा मतलब हमारा साढ़े को 0.5, ठीक है, दिस इज 0.5, तो 20% मतलब 20/100 कर लो इन, कि साढ़े को 0.2 आ गया। देखो एक है साढ़े को
0.3, एक है 0.5, एक है 0.2। तो सब तो बार संभावना कह रही है सो प्रीत दी ऑप्शन नंबर 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आयो, 8 जिद एंगल 4, देखो दिस एंगल 4 है कि देखो नोट करो, देखो एंगल 4 है कि देखो इन पंजाबी इन इंग्लिश देखो कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, बाहरला एंगल है, ठीक है। तो साढ़े को एक्सटीरियर एंगल या बाहरला एंगल होंगे वा अंदरले मतलब इक्वल टू द इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, मतलब जिदा देखो 4 का नाल एंगल ये लागमा कौन है, ये नहीं लेना अपना समझ द इंटीरियर ओपोजिट एंगल, मतलब जो ओपोजिट एंगल है साढ़े को आ वाले तो आ वाले इन्हों का सम दे बराबर हों, मतलब एंगल 4 बराबर हों, सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट एंगल मतलब अपना लागवा कौन नहीं लेना अपना, ठीक है। कितना कौन लेना अपना इंटीरियर ओपोजिट एंगल, मतलब एंगल 1 तो एंगल 2, ये साढ़े को फॉर्मूला हों साढ़े को, ठीक है। इस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ओपोजिट एंगल, राइट। साढ़े को ऑप्शन कड़ी हैगी है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी ओ क्यू। देखो साढ़े को पी तो क्यू की होंगे रैशनल नंबर साढ़े को, जिन्होंने अपना कोई नंबर जिदा मान लो 3 और 1, 3 है इन 1 लगा लो, ठीक है। इस पी तो क्यू की होंगे साढ़े को इंटीजर्स, राइट। पंजाबी गल करिए एक परमे संख्या पी ओ क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिथे देखो बेटा पी तो क्यू की होंगे मतलब एक कोई मान लो -3 है या -3/2 है, तो ये भी की एक परमे संख्या है क्योंकि वी आर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एंड नोट करना बेटा कदे भी ना जो मान लो साढ़े को -3 वो लिखा, ठीक है, डिनोमिनेट 0 नहीं होएगा कभी भी, कोई नंबर आयो डिनोमिनेट 0 नहीं होगा क्योंकि 0 आना की बन जाने ने नॉन डिफाइंड, तो ठीक है। इस करके एक कंडीशन जरूरी है कि आ ऑप्शन नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें कहता कि डिनोमिनेटर देखो पी और क्यू है, क्यू ने 0 करता तो यह की हो गया साढ़े को नॉन डिफाइंड, इसलिए पहली ऑप्शन नहीं आ सकती क्योंकि इतने क्यू 0 लिखा हुआ। ओके, तो पी एंड क्यू वास्तविक संख्यावान हैं, तो क्यूज देखो ये ना आ नहीं आ सकता क्योंकि वास्तविक संख्या में पता की आता रूट भी आ जाता वा √2/3, इट इज़ नॉट परमेय संख्या, ठीक है। इस करके ये साढ़े को ऑप्शन ए भी गलत है क्योंकि वास्तविक संख्या में सारी संख्या आ जाए रैशनल तो इरैशनल, ठीक है। तो हम नोट करो कि नंबर 3 देखो, ऑप्शन नंबर 3 देखो, हूँ पी तो क्यू संपूर्ण संख्यावान हैं, अतः क्यू देखो ये बिल्कुल ठीक है बेटा, पी तो क्यू की ने संपूर्ण संख्यावान हैं, तो क्यू की है साढ़े को नोट इक्वल टू 0, ये ऑप्शन ठीक है कि साढ़े को, राइट। तो नैक्सट इस बेटा ऑप्शन 4 भी गलत है क्योंकि उनके पी तो क्यू आ परमे संख्यावान, ठीक है, मतलब इरैशनल जिस √2 वगैरह आ जाता वा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन साढ़े को दिस इज रोंग, साढ़े को एक ऑप्शन ठीक है दैट इज ऑप्शन 3, राइट। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10, उस समकोणी त्रिभुज का खेत्रफल पता करो जिस दिन समकोण नाल वाली 2 भुजावान 24 और 7 सेंटीमीटर परमाप कि वा 56 सेंटीमीटर, राइट। इन इंग्लिश देखो फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होज टू साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल आर 24 और 7 सेंटीमीटर। देखो साढ़े को एक एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोणी त्रिभुज, देखो एंगल जो 90 डिग्री है ओरिया भी सूँ दी, मतलब जिन्होंने जो 90 डिग्री बना दिया पे नहीं, देखो टू साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल वो सानू गिवन है, 24 बना दी भी एक राइट एंगल तो एक 7 बना दी भी, ठीक है, सानू आ नहीं गिवन, ठीक है। द साइड्स विच फॉर्मिंग द राइट एंगल दैट इज 24, देखो 24 भी 7 मिलकर एक राइट एंगल बनाने पे ने, राइट, इनू सानू गिवन है। पैरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, और बेटा एक गल नोट करना कि ये पैरीमीटर की सानू कोई मतलब नीड नहीं हैगी, नो नीड ऑफ पैरीमीटर हेयर, सानू वैसे कन्फ्यूज किया, राइट, क्योंकि आप एरिया पता करना वा जो साढ़े को राइट एंगल हैगा तो सानू देखो अगर आप मतलब सानू राइट एंगल ना दिता होता फिर सानू पैरीमीटर दिता होता तो आप पहले साइड साइड पता करते फिर लाने आप हीरो फॉर्मूला, हूँ आप हीरो फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि सानू को एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो
यदा फॉर्मूला साढ़े को ईजली है हाफ आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बेस कितना सर, बेस चेक करो बेस मतलब आधार 24 हो गया, लंब कितना हो गया 7। ठीक है एक कटिंग कर लो 12 7 84 हो गया साढ़े को, साड़ा आंसर आ गया 4 ऑप्शन आ गया। ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, राम एंड श्याम टॉस ए कॉइन बिफोर मैच, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम नॉट विनिंग द टॉस। देखो आप कॉइन की वरतों क्यों करते हैं, क्योंकि इस बराबर चांसेस होंगे 50-50 चांसेस होंगे, मतलब दो साढ़े कोई मतलब परसन टॉस कर रहे हैं तो उन्होंने 50% चांस होंगे जितने के, तो 50-50% साढ़े चांस होंगे हारन के। ठीक है राइट। राम और श्याम पंजाबी देखो मैच तो पहले टॉस ले एक सिक्का उछालते हैं, राम के टॉस के जितने का संभावना कितनी है बेटा, इतने राम ने जितने की संभावना पूछी तो बड़ा इंग्लिश मीडियम से उन्होंने नॉट विनिंग टॉ विनिंग ने टॉस किया उन्होंने, चलो कुछ भी हो लिखा कि जितने की संभावना कुछ भी हो देखो बेटा आना 50% ही है। ठीक है क्योंकि देखो अगर हैड मंगया उन्हें राम ने तो प्रॉबिलिटी कितनी है, हैड आने की प्रॉबिलिटी कितनी है दैट इज़ 1, टोटल आउटकम 2 हो गया। ठीक है जे उन्हें मतलब हारना वा ये टेल भी आ जाए तो किया हुआ साढ़े को, जे देखो हैड आ गया तो प्रॉबिलिटी 1/2 मतलब राम ने टेल मतलब हैड मंगया मतलब जित गया, अगर वो हारदा वा तो मतलब हैड मंगया तो टेल आ गया तो भी प्रॉबिलिटी 1/2 ही आनी है, तो 1/2 मतलब 0.5। ठीक है या आप कह सकते 50%। ठीक है दैट इज़ ठीक है 50% साढ़ा आंसर आ गया राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, देखो हेठ लिखे बच्चों के त्रिभुज की सर्वंग संबंधा का नियम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो इन इंग्लिश विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्ग्रस रूल ऑफ अ ट्राइंगल, देखो एस एस रूल तो है ठीक है, ए एस ए भी है साढ़े को, एस 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 भी है साढ़े को। ठीक है तो ए बेटा ए रूल नहीं है साढ़े को। ठीक है ओके मतलब इन्हें मंगया की है कि नॉट कांग्रेस रूल, जो नहीं है वही लिखा आप फिर मतलब ये सारे है बाकी सारे है लेकिन ए ए ए ए रूल नहीं है फॉर द कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल राइट। ऑप्शन 4 टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्राइंगल शेप्ड लैंड है द साइड 357, इट्स पैरीमीटर इज 300 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द टाइल दैट आर फिक्स ऑन दिस, ठीक है लैंड ठीक है राइट। पंजाबी देखो साढ़े को है कि एक त्रिभुजी आकार के भूखंड भुजाओं का अनुपात 357 है, इसका परिमाप 300 मीटर है, इस भूखंड लगाई जाने वाली टाइलों का क्षेत्रफल कितना होएगा। मैं सिंपल ही गल है कि आप एरिया ट्रायंगल पता करना वा जिते पर टाइल लानी है, ठीक है जिन्ना एरिया उन्नी टाइल आप लगावे आप ठीक है, साढ़े को त्रिभुज भुजाओं का अनुपात कितना 357 है, मतलब इन मतलब 3x मान लो 5x मान लो तो 7x तो 300 प्रभाव हो गया साढ़े को, प्लस कर लो 8 7 15 ठीक है 8 7 15 x इक्वल 300 हो गया साढ़े को, एक्स ना गया 300 बड़ा कितना आया 15 आ गया तो कटिंग हो जाती साढ़े को 20 आ गया। ठीक है साढ़े को ए कितना गया फिर जैसे 3x है मतलब 3 × 20 कर लो कि 60 आ गई, फिर 5 × 20 कितना आ गया 5 5x है ना 5 × x वाली 20 है ना 5 × 20 100 आ गया, तो 7x साढ़े को 7 × 20 कि आ गया 40 आ गया। ठीक है साढ़े को साइड्स आ गई हूँ परमाप सूँ पता ही 300 है साढ़े को, जो प्लस करेंगे परमाप उन्ना ही मतलब ए प्लस बी प्लस सी कि बनूगा साढ़े को 60 से मतलब 200 300 हो गया, ठीक है 60 से 140 200 300 चेक कर लिया साढ़ा आंसर सही है, तो आप करना कि सैमी पैरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 300 भाग किया 2 ना कि 150 एंड हाउ टू फाइंड एरिया यू नो तुम्हें पता एरिया कितना करता पता करते अपना एस जिन्ना इस लैंड का एरिया होगा उन्ना उन्नी आप टाइल्स लगानी है। ठीक है एस माइनस सी हो गया साढ़े को एस एस कि साढ़े को उन्नी घंटा का किया 150 तो 150 माइनस ए कि साढ़े को बस भुजा घड़ी गई साढ़े को ए 60 150 माइनस 60 कर लिया आप
150 माइनस कितना आया, 100 कर लो फिर, 150 माइनस 140 कर लो, ठीक है। ये साढ़े को 150 इंटू 150 माइनस 60 कितना आया, 90 आ गया। 150 माइनस 100 कितना आया, 50 आ गया। 150 माइनस 140 कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ओके बस जिन्ना साडा आंसर हैगा उन्नी आपां टाइल्स लगानिया। हुण गल नोट करो कि 1 0 2 0 3 0 4 0 मतलब इस 100 बार आ गया, वहाँ 4 0 दी 2 0 बार आ गई, 100 लगाता बार आपां 15 रह गया, 15 आ गया 3 गुणा 5, 9 रह गया 9 3 गुणा 3 हो गया, तो 5 कला 5 ही रहना वा, तो ये 3 बार कर लो तो 5 बार कर लो, 3 बार आ गया तो 5 बार आ गया, अंदर कितना रह गया, कला रह गया √3। देखो नोट करो कितना आंसर बन गया, 5 × 3 = 1500, ठीक है। 5 × 3 = 1500 बन गया, 1500 √3, ऑप्शन कितना गया, 1500 √3, ऑप्शन टिक कर लो, 1500 √3 ऑप्शन फर्स्ट टिक कर लो, ठीक है। ये साड़ा आंसर है, ठीक है। इन्ने खेत्रफल जो पटाइया इन टाइल आप लानी है 1500 √3 मीटर स्केयर के खेत्रफल से, ठीक है, क्लीयर है। क्वेश्चन 14 देखो, जो यहाँ परमेयकरण करते हैं ना, रैशनलाइजेशन करते हैं अपना, तो यह बन जाता है, तो केरा मुल पता करो। क्वेश्चन 14 इज व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन इज रैशनलाइज्ड एंड इट बिकम √k/10। देखो सिंपल ही गल है कि 1/√5 इन पर रैशनलाइज करा तो एक ही बन जाता है, संगेवन है, यह बन जाता √k/10, ठीक है। तो इधर रैशनल किया √5, देखो 1 × √5, √5 आना साढ़े को, √5 × √5 इज 5, तो 2 × 5 बन गया, ठीक है, √k/10 अगला 10 आ गया, तो 2 × 5 इज 10, √k/10 कितना गया 10। आप के पता करना वा, सानू पता वैसे दिखता पाया कि के 5 आना साढ़े को, चलो कोई गल नहीं पूरी कटिंग कर लें आप, √5 = √k। हूँ वैसे सूँ पता कि के 5 आ रहा है, फिर भी चलो स्केरिंग कर लें, पास स्केरिंग जो की पर देखो दोनों पास के पता करना वा, इन्ना कट गया इन्ना कट गया, 5 बराबर कितना गया के आ गया, ठीक है। ये साड़ा आंसर आ गया 5 k = 5, ऑप्शन 3 टिक कर लो, राइट। क्वेश्चन 15 इज देखो साड़ी की है कि एल इज पैरेलल टू एम, राइट, तो आप एंगल पता करना वा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, असं एंगल बी पता करना वा, ठीक है। तो नोट करो कि साढ़े को एंगल बी है 3x + 60, मीन आप पहले एक्स पता करा, देखो एल इज पैरेलोग्राम तो टी इन्हों की काट भी रेखा है, एंगल बी पता करना। देखो नोट करो कि एंगल ए तो एंगल बी की होंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स क्योंकि लाइन पैरेलल ने तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है। इन कहते एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर हो गए, तो एंगल ए कितना साढ़े को, दैट इज 5x - 40 एंगल ए, ठीक है। एंगल बी कितना वा, दैट इज 3x + 60, तो एक्स वाली वैल्यू इधर कर लो, इन उधर भेज दो, तो इन उधर भेज दो, 5x - 3x इधर आ गया, 60 से 40 इधर बेटा +40 हो गया, 100 आ गया, 5x - 3x इज 2x आ गया, तो एक्स ना कितना गया साढ़े को, एक्स बराबर है 100/2 कितना गया 50 आ गया, दिस इज 50। तो एंगल बी पता करना आप, ठीक है, एंगल बी पता करने वास्ते देखो एंगल बी कितना साढ़े को है, नोट करो एंगल बी है साढ़े को 3x + 60, तो एक्स साढ़ा कितना आया, हूँ 50 आया साढ़े को, एक्स इज कितना आया 50, तो आप एक्स का मुल पता ना, इतने ये बन गया 150 + 60 कितना साढ़े को आ गया एंगल 210 आ गया, ठीक है, दिस इज 210, 150 ते 60 बड़ा आंसर इज 210। ओके टिक लगा लेनू,
थर्ड ऑप्शन राइट एंगल बी 210। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 क्वेश्चन की है साढ़े को एक्स का मूल पता करो। देखो फिंगर इज देयर, एक्स का मूल पता करना अपना राइट। तो नोट करो कि सूँ दिता गया इन्होंने, देखो ए रे पावर है, ए रे पावर है ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस मीन दिस इज पैलोग्राम। ठीक है, सूँ इतों हिंट मिल गया कि दिस इज द पैलोग्राम। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 साढ़े को है ना। देखो सूँ इतों लागे पता कि ओपोजिट साइड्स इक्वल मीनस एक संबंध चतुर्भुज है, आमने सामने भी हमारा बराबर ने, असं एक्स पता करना वा। देखो आप सिंपल ही गल है कि अगर साढ़े को पैलोग्राम है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, कार्ड भी यही होगी कार्ड भी बजा रहे एक पास अंदरले कोण कह सकते अपना। ठीक है, या फिर उन्होंने जो कंजक्टिव एंगल्स जोड़ के ना आता साढ़े को 180 डिग्री इन पैलोग्राम राइट, मीनस एंगल पी ते एस, एंगल पी जमा एस कितना होगा 180 डिग्री, एंगल पी कितना वा 115, एंगल एस कितना वा, एंगल एस नोट करो 32 प्लस एक्स डिग्री जी सारे। ठीक है, तो 115 से 32 प्लस कर लो कितना बने, देखो 7 आ गया 147 आ गया। ठीक है, 32 5 37 तो 147 प्लस एक्स इक्वल टू कितना गया 180, एक्स कितना गया साढ़े को 180 माइनस 147 राइट, ये कितना बन गया, डेट इज ये बन गया साढ़े को 33। ओके ऑप्शन देख लें, 33 हैगी ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सेकंड 33 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, डिग्री क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, ए ओ सी प्लस बी ओ सू दिता उन्होंने 70 डिग्री, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, वेरी ईजी क्वेश्चन वाला था। ठीक है, तो पहला लिख लो ती बी ओ ई लिख लो, पहला बी ओ ई तो सी ओ ई बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि इको लाइन पर एंग बनते पे, मतलब ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस आप पता करना सी ओ ई, सारे एंगलों जोड़ करना वा 180 डिग्री होंगे। ठीक है, ओके आ पूरा 180 है। हम देखो सानू ए ओ सी सी ओ बी ओ की वैल्यू दी है उन्होंने, हाँ देखो कितनी है साढ़े को, सिंपल क्वेश्चन सी, मैं सानू कुछ नहीं करना पड़ा, बस यदि वैल्यू पा लो 70, तो सी ओ ई कितना है साढ़े को 180 डिग्री, तो सी ओ ई कितना देखो करना आप। ठीक है, यदा जोड़ है साढ़े को 70 डिग्री गिवन है ना सानू क्वेश्चन, 180 माइनस कितना आया 70, तो सी ओ ई कितना साढ़ा आया देखो 110 आ गया। तो ठीक है, वैसे भी साढ़े 110 ही आ रहा ही, लेकिन वो लेंथी मैथड से थोड़ा ईजी वे है। ठीक है, आंसर कितना गया 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी ईजी क्वेश्चन, देखो हाँ सिंपल ही है, आ ए है तो आ बी है, आ ए है तो बी है। ठीक है, बिच माइनस है, तो इतने की है प्लस है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी साढ़ा फॉर्मूला आता ए स्केयर माइनस कितना आता बी स्केयर, ए साढ़े को कितना वा 3, बी साढ़े को नवा √10, 3 3 9 तो आ कट जाना साढ़े को 3 आ गया। ठीक है, 6 आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन थर्ड 6 आंसर, वेरी ईजी क्वेश्चन। ओके क्लियर है, ए इसका मैंने बी इसका सिंपल किया आप। नेक्स्ट इज देखो नोट करो, इन क्रिकेट मैच क्वेश्चन नंबर 19, इन क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। ठीक है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेडी गई है, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की संभावना पता करो। ठीक है, तो देखो टोटल कितनी साढ़े को, कुल 60 गेंदा उन्हें खेडिया, तो जिद उन्हें 6 मारे साढ़े को, 6 बार चौका मारिया, 4 मारे। ठीक है, एंड साढ़े को 6 टाइम 6 बारी चौका मारे उन्हें, मतलब बाउंड्री लगाई उन्हें, तो उन्हें क्या चौका ना मारन की, मतलब बाउंड्री ना लगन की भावना पता करनी आप, मतलब 30 विचों 6 मिनट कि 24 बारी उसने
ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ 24 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 6 ਚੌਕਾ 24, 6 5 30, ਆਂਸਰ ਇਜ 4 ਔਰ 5, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਚਨ 20 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੋਮਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਫਲੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਮੈਂ, ਇਹ 30 ਹੈ, ਇਸੇ 30, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ 30 ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲੋਂਗਰ ਟੈਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਏਰਾ ਏਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ। ਬਟ ਐਸ ਇਸ ਮਤਲਬ ਏ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ, ਏ 30, ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30, ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48, ਮੀਨਸ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਏ 30 ਪਲੱਸ 30 ਪਲੱਸ 48 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, 30 ਪਲੱਸ 30 ਕਿੰਨਾ 60 ਪਲੱਸ 48 ਕਿੰਨਾ 108 ਉੱਪਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ 54। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ ਐੱਸ, ਐੱਸ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਐੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਐੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54, 54 ਮਾਈਨਸ ਏ ਕਿੰਨਾ 30 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਹੈ, ਐਂਡ 54 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 48, ਕਿੰਨਾ ਵਾ 48। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 54, 54 ਮਾਈਨਸ 30 ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 24, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 24 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ, ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਆਊਗਾ 2 ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਆਫ ਏ ਨੋਨ ਜੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਸ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਏ ਨੋਨ ਜੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਔਰ 5 ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 3 ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਮੰਨ ਲਓ √3 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਦੱਸੋਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਾਂਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਓਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਫਰ ਪਰਮੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੋਨ ਜੀਰੋ ਨੰਬਰ ਪਰਮੇ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਮੇ ਸੰਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਜੀਰੋ, ਮਤਲਬ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਰਮੇ ਸੰਖਿਆ, ਪਰਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਔਰ 1 ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪਰਮੇ, ਮਤਲਬ √3 ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ √2 ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪਰਮੇ, ਮਤਲਬ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2√2 ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਪਰਮੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਪਰਮੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22, 32 ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2/5, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ, 32 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 × 2 × 5 ਵਾਰੀ ਮੰਨਣਾ, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 1 2 3 4 5, 5 ਬਣ ਗਈ ਪਾਵਰ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਔਰ 5, ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ 2/2 ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ, ਇਸ 2 × 2 ਦੈਟ ਇਸ 4 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ, 4 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਾਕੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਬੜੀ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਥਿਓਰਮ ਇਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿੰਨਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਪੀ ਐਕਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4x³, 3x² ਆਪਾਂ ਲੋਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ
ठीक है, इसी करेंगे जैसे एक्स पे वन पर आएंगे, वन क्या ना पी वन मतलब एक्स वैल्यू वन पर आएंगे ना, वन 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 का बेनीफिट कोई नहीं, वन वन का क्यों वन ही आना, ठीक है सिंपली गल है, वन स्केर भी वन ही आना साढ़े को, फोर इंटू वन फोर ही आना प्लस थ्री, राइट फोर प्लस थ्री गुणा करने वन ही आना, वन फोर प्लस थ्री, फोर तो फोर कट गया, कितना आंसर आ गया छः आंसर आ गया साढ़े को, सिक्स आंसर, आंसर इज सिक्स, राइट सिक्स आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो मतलब इन्हें बना जो कि यदा एक गुणनखंड है, ठीक है ये देखो जी कि इसका एक गुणनखंड है, जो कि करना पे क्वेश्चन कि मतलब फैक्टर बना लेंगे मिडल स्प्लिट करेंगे अपना, इन मतलब गुणा कर लो ट्वेंटी फोर आ गया, ट्वेंटी फोर फैक्टर बनोगे साढ़े को, मतलब गुणा करने ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एट इक्वल, ठीक है थ्री एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू फोर कॉमन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू तो थ्री एक्स माइनस फोर, साढ़े दो फैक्टर बन गए, ठीक है दो फैक्टर बच्चों के फैक्टर चेक आंसर देखो चेक करो आल फैक्टर देखो साढ़े आंसर भी आता पाया, इन्हों कर लो बस, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल, ऑफ जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल मीन्स देखो मीन्स देखो साढ़े को अगर कॉन्सटेंट आ, देखो आप करना कि जीरो सिफर की घात किन्नी होंदी है, बहुपद की घात किन्नी होंदी है, देखो जीरो की घात आप डिफाइंड नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं है, ठीक है कोई भी मतलब साढ़े को देखो 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 कॉन्सटेंट बने कॉन्सटेंट देखो जो थ्री है और उपर की लगा सकते आप वन लगा सकते, मतलब यदि घात साढ़े को है कॉन्सटेंट वैल्यू की घात किन्नी एक होंगी है, लेकिन जीरो की की है मतलब घात की है परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, ओके। नेक्स्ट इज 26 इज एक्स टू रजिस्टेड किसी बिंदु के निर्देशन, मैं दसा है कि एक्स टूरा मीनस एक्स एक्सिस हो गया साढ़े को, ठीक है इन इंग्लिश देखो वट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देखो जितने एक्स एक्सिस बड़े पॉइंट होंगे साढ़े को पता है कि होंगे ए कोमा जीरो बी कोमा जीरो सी कोमा जीरो, मतलब इस साढ़े को जरा ऑर्डिनेट कि ऑर्डिनेट दैट इज जीरो, ठीक है तो साढ़े को पॉइंट कि होने जितने देखो वाई जीरो होगा सैकंड पॉइंट, जितने जीरो होगा देखो सैकंड पॉइंट जितने जैसे वाई जीरो होगा, देखो इतने भी वाई जीरो है, इतने भी वाई जीरो है, इतने भी वाई जीरो, वो साढ़ा पॉइंट होगा, ठीक है ऑप्शन देखो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, हाँ ऑप्शन ठीक है, ठीक है राइट वाई जीरो ऑन एक्स एक्सिस वाई जीरो। नेक्स्ट इज सम इंटीरियर एंगल मेड ऑन द सेम साइड बाय ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइंस आर, देखो दो पैरेलल लाइंस है साढ़े को एंड ट्रांसवर्सल, ये लाइन पैरेलल ने इंटीरियर एंगल सम इंटीरियर एंगल आ एंगल हो गए या फिर आ वाले एंगल होने, इन्हें सम कि साढ़े को पता कि 180 डिग्री, ठीक है ओके। पंजाबी बीच देखो ही दो समांतर रेखावान साढ़े को एक आरपी रेखा आ गई साढ़े को, एक पास के अंदरले कोण का जोड़ा कि होंगे एक पास के अंदरले कोण का जोड़ कि 180 डिग्री आ एंगल होगा या फिर इन्ना जोड़ भी कि 180 डिग्री होगा या फिर आ वाले एंगल एक पास के अंदर कोण कि आंसर आया साढ़ा 180 डिग्री, ठीक है राइट। नेक्स्ट इज जेकर ट्रैंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रैंगल वाई जेड एक्स दे, एंगल ए इज 70 एंगल जेड इज 50 तो एक्स का मुल पता करो, देखो साढ़े को एंगल ए दिता सू, ठीक है देखो साढ़े को यह कि ट्रैंगल है साढ़े को ए बी सी, दूसरी की साढ़े को ट्रैंगल एक्स वाई जेड एक्स है वाई जेड एन एक्स, तो एंगल ए साढ़ा कितना वा 70 एक नाम 70 जेड कितना साढ़े को 50 तो आप एक्स पता करना, ठीक है देखो सिंपल ही गल है कि ट्रैंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उन्होंने छे तो छे पहाड़े बराबर होने, उन्होंने पजाव भी बराबर होनगियाँ तो उन्होंने कोण भी बराबर हो गए, सिंपल ही गल है कि सूँ एक्स करना वा जे ए साढ़े को 70 तो यह भी कितना साढ़े को वाई कितना भी कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है क्वेश्चन ईजी 70 तो 50 कितना 120 तो ये साढ़े कितना बचा फिर साढ़े को 180 पूरे करने हैं ये आ गया साढ़े को 60 डिग्री, ठीक है 70 तो 50 120 60 कितना गया 180 ऑप्शन साढ़े को आ गया थर्ड ऑप्शन टिक कर लिया अपना वेरी जी क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। मैं सूँ पता बेटा 180 डिग्री, ठीक है आंसर है वैसे देखो साढ़े को है आंसर 180 डिग्री। एक कि आंसर है देखो नोट करो, कोई भी पोलीगन बना लेपा, कोई भी मान लो पोलीगन बना लिया, ठीक है तो नोट करो कि ए पूरा एंगल कितना 180, ठीक है आ साढ़ा आ गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है इतनी साढ़े को आ भी की हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है कोई पोलीगन है, ठीक है एडी साढ़े को अभी एक्सटीरियर एंगल हो गया। नोट करो कि अगर साढ़े को जो ए 180 डिग्री हो गया एंगल, देखो ये साढ़ा एंगल पूरा जो साइड इदा ये साइड अपना इदा बना लिया इदा बना लिए, ठीक है इस तरह बना लिए फिर लाइन सीधी जा जानी साढ़े को, ठीक है यदा मतलब 180 जी आ एंगल माने करेंगे साढ़े को आ एंगल आएगा, ठीक है राइट जी साढ़े को 180 हो गया तो लाइन की होनी साढ़ी सीधी होनी, देखो दूजी लाइन इदा नहीं आनी कितना जाएगी, अगर साढ़े को एक्सटीरियर एंगल 180 हो गया तो इदा लाइन जाएगी, ठीक है वो पोलीगन नहीं बननी, सिंपली गल है जी साढ़े कोई भी पोलीगन है, ठीक है जिदा मतलब कोई साढ़े को पोलीगन है जो आप एक्सटीरियर एंगल पता करना उन्होंने 180 आप एक्सटीरियर एंगल पता करना वा, ठीक है आ इंटीरियर एंगल है तो जो आ पता करना वा इन 180 माइनस करते हैं, ठीक है इस करके एक कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि तो आ एंगल आना 180 तो घट ही आना वा राइट। देखो 180 आ एंगल माइनस किया तो आ एंगल आना तो आ एंगल हमेशा की रहना हमेशा इट इस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज लैस दैन 180 डिग्री मतलब 180 के बराबर नहीं हो सकता है राइट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस पता करो, देखो एस का नाम पता की रखे आप सैमी पैरीमीटर मीनस ए प्लस बी प्लस सी बटा दो इन हीरो फॉर्मूला दे, ठीक है 11 मतलब आ ए हो गया आ बी हो गया तो सी हो गया, बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है साढ़े को अब टू कर लो 11 तो 15 कि साढ़े को 26 तो 40 हो गया 40 बटा दो कि आ गया साढ़े को बी आ गया, ठीक है ऑप्शन टिक कर लो बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 देखो बी आंसर आ गया, ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 8 सेंटीमीटर वाले समभुजी त्रिभुज की ऊंचाई पता करो। देखो समभुजी त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि आप ऊंचाई पता करनी है दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओके एच पता करना आप देखो यदा जो ये साढ़े को ऊंचाई हो गई मतलब ये साढ़ा हो गया साढ़े को लंब एक बटा दो आधार गुणा लंब आधार गुणा लंब मतलब बेस नू हाइट बराबर कि साढ़े को एक फॉर्मूला लाभ इक्विलेटर एंगल का दैट इज √3/4 a² ठीक है साइड का स्केयर मतलब आप दो फॉर्मले लाते मतलब दो फॉर्मले साढ़ा भाई एरिया पता कर सकते अपना, ठीक है एक बटा दो आधार किन्ना देखो नोट करो आधार किन्ना साढ़े को देखो आधार इन मान ये आधार हो गया साढ़े को 8 लंब कितना लंब पता करना आप एच पता करना आप ये साढ़ा एक दूसरा फॉर्मूला है जो साढ़े को हो समभुजी त्रिभुज √3/4 a² मतलब भुजा स्केयर भुजा कितने साढ़े को है ये साढ़े को 8 हो गया 8 × 8 कर लें आप, ठीक है ए स्केयर मतलब 8 × 8 करता अपना आप एच पता करना वा वेरी सिंपल 8 × 8 कट दो, ठीक है तो एच कि साढ़े को आ गया √3/4 × 8 दो उपर आना साढ़े को मैंने कटिंग कर लो बस जो आ कटिंग कर लो ईजी रहना 4 × 8 4√3 आ गया आंसर कितना है 4√3 चेक कर लो आंसर ऑप्शन है साढ़े को 4√3 यस ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 एक ट्रायंगल ABC विच AB प्लस BC CA है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होएगा, ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर है साढ़े को 32। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 इफ AB ट्रायंगल साढ़े को ABC है देखो AB प्लस BC देखो AB प्लस देखो BC बराबर CA बेटा ये तो ट्रायंगल जो पॉसिबल है नहीं ये स्ट्रेट लाइन बन जानी साढ़े को क्योंकि इन ट्रायंगल समो टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल एंड ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल दैन एरिया विल बी 0 तो आंसर इज 1 ऑप्शन 0 स्केयर यूनिट्स ओके वेरी इजी क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट इज 33 क्वेश्चन देखो साढ़े को दो ट्रायंगल दिखाई उन्होंने एक ABC है
दूजी की है साढ़े को दैट इज डी ई एफ है लिखा कि एंगल बी बबरे है एंगल ई लगा लें एंगल बी बबरे एंगल ई ठीक है फिर लिखा एंगल एफ बबरे है एंगल सी ये भी ठीक है एंगल एफ बबरे है एंगल सी ठीक है ए बी इक्वल टू डी ए बी ये दूना है मतलब ये एक्स है तो ये दूना टू एक्स है ठीक है पर बेटा देखो ये नोट करो कि जे साढ़े को एंगल एंगल साइड टू टाइम लगना ही अगर साढ़े को एक्स बबरे एक्स हों ठीक है ए बी बबरे डी लेकिन वो डबल है ये मतलब कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है आइसोलेटेड देखो बेटा होंगी है कि ये आपस नहीं कंपेयर करते ट्रायंगल्स में वो ट्रायंगल ही अपनी साइड ही कंपेयर करते कि अगर मान लो कि कोई ट्रायंगल आइसोलेटेड है तो वो दो साइड्स की होंगी इक्वल होंगी इनू इन्ना कंपेयर नहीं करते अपना ओके इस करके इन ना तो कॉन्ग्रुएंट है कि ना ही की है आइसोलेटेड ठीक है ना इधर कॉन्ग्रुएंट नोर आइसोलेटेड ये साड़ा ऑप्शन थर्ड आ गया राइट नेक्स्ट इज साढ़े है क्वेश्चन कि ए रैशनल नंबर एंड बी इज एन ई रैशनल नंबर साढ़े को ए रैशनल नंबर तो बी की है ई रैशनल नंबर नेक्स्ट देखो हमारे पास ये है कि एक ए एक परमे संख्या देखो ए वटा बी है परमे संख्या मतलब थ्री मान लो ठीक है तो बी आ परमे संख्या मतलब ई रैशनल नंबर इन रूट टू मान लो ठीक है तो यदा आंसर की होगा साढ़े को मतलब ई रैशनल लेकिन प्रॉब्लम तो की है कि सानू ने लिखा कि जरा जो बी मान लो जीरो हो जाए मतलब बी ये थोड़ी क्या बी साढ़े को जीरो हो गया तो दिस मीनस बस जीरो नहीं हो नहीं सकती क्योंकि उन्हें क्या हुआ कि बी आ परमे संख्या है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग की है कि इतने जीरो नहीं आ सकती क्योंकि जीरो मानेंगे आप परमे च मतलब जीरो बटा वन लगा सकते अपना ठीक है बी तो इतने मतलब इतने रूट कुछ भी वैल्यू आ सकती रूट टू आ जाएगी कुछ भी वैल्यू लगा लो इतने रूट थ्री कुछ भी लगा लो रूट तो इनू रैशनल भी कर लो तो भी इन्हें की रहना वा आ परमे रहना मतलब इट इज़ ऑलवेज मतलब इरैशनल मेरे अकॉर्डिंग की है आ परमे संख्या हैगी ठीक है राइट क्योंकि जीरो आप लगा नहीं सकते जीरो इज ए परमे मतलब रैशनल जीरो वन लगा लो ठीक है जीरो तो सानू प्रॉब्लम सी फिर ये ऑप्शन आनी ही कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन हुण ये साडा आंसर क्या साडा आ परमे इरैशनल नंबर ठीक है राइट नेक्स्ट इज नेक्स्ट साढ़े इधर देखो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी उन्होंने ए बी सी हैगी साढ़े को जी कड़ी हैगी साढ़े को पी क्यू आर ओके उन्हें क्या है कि नोट करो कि साढ़े को बी बराबर है आर एंगल बी होगा ना फिर एंगल बी बराबर है आर ओके सी बराबर है क्यू ए बराबर है उन्हें पूछा वा कि बराबर होगा ठीक है मतलब एक मिनट दोबारा कर दिया आप क्वेश्चन उन्हें इसको पूछा वा कि बराबर है आप चेक कर दोबारा बनाने ट्रायंगल कोई गल नहीं ट्रायंगल अगेन मेकिंग ए ट्रायंगल हम इधर बना लें आप एक ट्रायंगल ए बी सी है दूसरी ट्रायंगल कड़ी साढ़े कोई है पी क्यू आर तो सिंपल ही गल है कि सानू पता है कि अगर ट्रायंगल साढ़े को कॉन्ग्रुएंट है तो बी बराबर आर तो नहीं होगा ये तो नहीं आना बी बराबर आर बी इधर आर उधर है ठीक है दूसरा सी बराबर क्यू ए भी नहीं आना सी इधर है तो आर क्यू उधर ठीक है ए बराबर आर ए भी नहीं आना ए बराबर इधर आर इधर है ठीक है सामने सामने आनी चाहिए ना आ ठीक है ए बराबर पी ठीक है ऑप्शन फोर ठीक कर लो राइट नेक्स्ट इज पी वाले संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल पी वाले संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो साढ़ा फॉर्मूला का अंडर रूट थ्री बाय फोर साइड का स्केयर पूजा का स्केयर पूजा सूँ दी उन्हें पी मतलब पी का स्केयर आ गया ऑप्शन कड़ी देखो अंडर रूट थ्री बाय फोर पी स्केयर सैकेंड ऑप्शन टिक कर लो वेरी इजी क्वेश्चन ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन है साढ़े को दिते गए नचित्र सूँ ओ ए बराबर ओ भी दिता है उन्होंने ओ डी बराबर ओ सी दिता है कि कथन सही है देखो नोट करो कि
अनुता ओ ए बराबर है ओ बी, राइट। नेक्स्ट अनुता है ओ डी बराबर है ओ सी, सही है। तो देखो सानू एक चीज़ सानू आप लगानी पैनी है कि मतलब जब अपना दसनी पैनी कि इक्वल हैगी है। देखो बड़ा एंगल वैसे उन्हें मार्क किए हैं, एक कि एंगल होंगे वर्टिकल ओपोजिट एंगल सिकल सनमुख कोण जिन्होंने आप कहने इस लग गया एस ए एस एस ए एस एस ए एस, ठीक है। एक रूल लग गया इस साइड एंगल साइड ट्रैंगल कड़ी होगी। देखो ए डी ओ ने क्या वा, देखो ये ए तो शुरू किया ए डी ओ तो सी ओ बी गलत हो गया। देखो ए डी ओ तो ए तो शुरू होना इधरों भी, ठीक है। ए ओ डी तो बी ओ सी बट ये ठीक है। देखो तो पहला ऑप्शन क्यों गलत है, देखो ए उन्हें क्या ए डी ओ, ठीक है। तो उन्हें क्या वा सी ओ क्योंकि बराबर पूजा स्टार्ट करना ना, यदि बराबर पूजा ए ओ डी बराबर पूजा बी ओ तो शुरू होती है तो ठीक है सर के रोंग है साढ़े को आएगा जो ऑप्शन आएगा देखो ए ओ डी ये ठीक है ओके तो बी ओ सी राइट ट्रैंगल देखो ओके। ऑप्शन नंबर सैकेंड टिक कर लो। थर्ड ऑप्शन टिक चेक कर लें देखो सैकेंड ऑप्शन टिक कर ली, थर्ड ऑप्शन गिवन नहीं दी उन्होंने ए ओ डी देखो ए ओ डी बी सी ओ गलत हो गया ना देखो बी ओ सी आना ही नहीं लिखता बी सी ओ इस रोंग ओके। तो ऑप्शन इज सैकेंड इज राइट क्योंकि देखो पहला ए ओ डी फिर कितना आया फिर देखो सड़ी साइड पर इक्वल है फिर बी ओ सी ए ठीक है ओके। ना क्वेश्चन 38 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स व्हेन वी टॉस टू पॉइंट्स, दो गुआन निकाल की अपना दो गुआन सिक्के सटेंगे ठीक है। तो नोट करो वैन टू कॉस प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू हेड्स चाहिए सू, दो सिक्के छल जान दे दो चित प्राप्त करने की संभावना की होएगी। नोट करो कि साढ़े को आ सकता है दोवें हैड आएंगे या हैड टेल आएगा या टेल हैड आएगा या फिर क्या आएगा टेल टेल, आई ऑप्शन बनेगी साढ़े को। दो चित प्राप्त करनी है मतलब दो हैड वो एक बारी आया साढ़े को, टोटल ऑप्शन कितनी है एक दो तीन चार, एक बड़ा चार आंसर आ गया ऑप्शन इज थर्ड राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है साढ़े को क्वेश्चन नंबर घट्टो घट किन्ने बिंदुओं विच नाल विलक्षण लिखा खिंची जा सकती है, क्वेश्चन नंबर 38 है 39 सॉरी, घट तो घट किन्ने बिंदुओं नाल विलक्षण लिखा खिंची जा सकती है विद हाउ मैनी मिनिमम पॉइंट्स यूनिक स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। देखो जी तो एक बिंदु लवेंगे अपना एक पॉइंट लवेंगे उन्हें दो उन्हें क्या वा एक मतलब एक स्ट्रेट लाइन यूनिक मतलब इको लाइन जी एक बिंदु लवेंगे मान लो एक पॉइंट ले लिया मैं इतने ठीक है ये आप एक रेखा खिंच सकते हैं अपना दो खिंच सकते हैं तीन मतलब अनलिमिटेड लाइन यू कैन ड्रॉ थ्रू ए वन पॉइंट ठीक है। गल करा अगर दो बिंदु ले लिया अपना दो पॉइंट ले लेना अपना तो बेटा ये जो रेखा खिंचा आप एक ही रेख यूनीक ही बनेगी ठीक है दिस इज यूनीक लाइन राइट। तीन पॉइंट आप ले लें अपना कितने उस रेखा खिंचनी मुश्किल पैनी ठीक है वो खिंच नहीं सकते अपना क्योंकि या इदा खिंचा इदा ठीक है गल नहीं मननी तो दो पॉइंट बच्चों आप एक यूनीक लाइन खिंच सकते अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सैकेंड इज राइट ओके क्लीयर है। मिनिमम सर वन पॉइंट चाहिए दो पॉइंट चाहिए है तीन पॉइंट आप ले सकते कोई गल नहीं देखो तीन पॉइंट आप ले सकते तो लेकिन वी बट वी नीड ओनली टू मिनिमम पॉइंट्स ओके उन्हें क्या मिनिमम पॉइंट्स घट्टो घट्ट किन्ने पॉइंट चाहिए सूँ। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 मीना वांट्स टू मेक ए क्लॉथ मास्क बाय ज्वाइनिंग टू इक्वल साइज ट्राइंगुलर पीसिस ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लॉथ है शी रिक्वायर्ड। ना इन पंजाबी देखो मीना कपड़े का एक मास्क बनाना चाहती है जो कि बराबर त्रिपोजकार के टुकड़िया जोड़ के बनता है, जेकर एक टुकड़े की लंबाई 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो मास्क लोड़ींदा कपड़ा कितना होएगा। देखो साढ़े को है कि एक मास बनाना तो दो त्रिभुज जोड़ के एक मास बनेगा ठीक है तो यदा मतलब साढ़े को एक त्रिभुज हैगा 5 8 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट है ठीक है सेम इधर होने साढ़े को आप दो टुकड़िया दो ट्रैंगल जोड़ के एक मास बनेगा तो आप करना की है कि कपड़ा सूँ चाहिए पूरे मास वास्ते यदा मतलब आप करा कि एक ट्रैंगल एरिया पता कर लेंगे तो उन्होंने दूना गुणा कर लेंगे तो उन्ना ही कपड़ा सूँ मास बनाने चाहिए है
देखो साढ़े को ना तो यह राइट एंगल ट्रैंगल है, ठीक है, तो यदा मतलब इतने आप लवेंगे हीरो फॉर्मूला, ए कि देखो ए पाँच आ गया, बी कि गया अठ आ गया, सी कि गया पाँच आ गया। तो हीरो फॉर्मूला सूँ पता ही है कि पहला पता करेंगे सैमी पैरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, तो यह बन गया पाँच अठ पाँच बड़ा कि दो आना एटीन वो टू आना दैट इज नाइन, साढ़े को आ गया एस कि आ गया साढ़े को नौ आ गया, ठीक है कट के नौ आ गया ना। तो एरिया पता करना पा फॉर्मूला इज एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, तो एस साढ़े को एस एस इज़ नाइन, तो फाइव एट फाइव है साइड साढ़े को एस साढ़े को नाइन आ गया, नाइन माइनस फाइव पहला नाइन माइनस एट नाइन माइनस फाइव, ठीक है वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाइन इंटू एक ना बन गया फोर आ गया, एक ना गया वन आ गया, तो एक ना बन गया फोर आ गया, ठीक है। तो देखो साढ़े को आ गया सिंपल ये चूंकि बारह आना साढ़े को जैसे फैक्टर बना लो भी ठीक है, थ्री इंटू थ्री कर लो जो फोर है उन्होंने कर लो, टू इंटू टू कर लो जो लास्ट फोर है उन्होंने कर लो टू इंटू टू कर लो, ठीक है इस तरह आप कर सकते हैं। इस तो बाद आप जो दो सेम है जो थ्री बार आना जो टू बार आना तो इस टू बार आना, उस तो बाद जो एरिया एक ट्रेंगल एरिया कितना आया साढ़े को बारह आ गया, दो ट्रेंगल है साढ़े को कपड़े पास कि गया बारह प्लस बारह कि गया सूँ चौबीस सेंटीमीटर स्केयर कपड़ा चाहिए वा, ठीक है बारह सेंटीमीटर बारह प्लस बारह कि गया चौबीस सेंटीमीटर क्योंकि एक ट्रेंगल का जो एरिया बारह आ गया, ठीक है। तो मास्क का बनता वा दो ट्रेंगल तो बनूगा दो ट्रेंगल के कपड़े तो, आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्केयर, ऑप्शन इज दैट इज फोर ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द पेपर। तो बेटा इस पेपर को ध्यान ना करना क्योंकि ये फाइनल एग्जाम से ये नैथ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते नैथ में फाइनल पेपर में, तो इस क्वेश्चन पेपर में ध्यान रिवाइज तो यू ध्यान ना करना, ठीक है। ओके ऑल द बेस्ट।